मुँह काला होगा ओ मजनू तेरा लैला कुछ नहीं बिगड़ता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। भाई साहब, ये इतने सारे डीसी मोटर, तो भाई साहब ये सारे के सारे मोटर, इनमें से कोई सा भी जनरेटर या डायनो मोटर नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपके पास काफी सारे डीसी मोटर पड़े होंगे, लेकिन भाई साहब आपको है जनरेटर की जरूरत, डायनो मोटर की जरूरत। तो भाई साहब आप अलग समय होंगे जो गाइस काफी कॉस्ट लेता है, 300, 400, 500 में लगा, कोई लिमिट नहीं है। तो भाई साहब आज हम एक सिंपल डीसी मोटर को ही जनरेटर में कन्वर्ट करेंगे, या आप कह सकते हो डायनो मोटर में कन्वर्ट करेंगे भाई साहब, जो कि बिजली बना के आपको देगा। लो बाबूजी ऐसे करके, वाओ। तो भाई साहब आज इस वीडियो बहुत मजा आएगा, सिंपल वीडियो होगी। चलो गाइस बाहर चलते हैं अपने टॉय पर, समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई इनमें से पहले कोई भी एक डीसी मोटर ले लेंगे, जैसे गाइस ये भी ठीक है, 775 मोटर है, और भाई वैसे गाइस सारे 775 ही है मोस्टली। तो भाई कौन सा लें, चलो भाई ये ले लेते हैं। ये दोनों गाइस मस्त है, ये बैरिंग वाला है, ये बुश वाला है। मैं गाइस इसलिए बुश वाला ले रहा हूँ क्योंकि भाई साहब यहाँ पर बेकार मोटर भी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई खराब मोटर हो, जो फ्यूज मोटर हो, जिसके आर्मेचर बिल्कुल फुका हुआ हो, तो भाई साहब आप उस मोटर को ले सकते हो। मैंने गाइस नया मोटर क्यों करना है ना, पहले देख लेते हैं भाई साहब। ये जो 775 12 वोल्ट डीसी मोटर है, जो 36 वोल्ट तो वर्क करता है, 36 कभी कभी धुएं निकल जाए, वो बात अलग है इसके। तो भाई साहब इसे पहले चेक कर लेते हैं कि भाई कितने आउटपुट दे रहा है। तो भाई साहब मेरे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, 450 आरपीएम गाइस इसके हैं, जो कि ड्रिल मशीन के, और भाई इस पर लगाते हैं 20 गाइस मैंने सेट कर लिया है, 1.94। तो भाई साहब 2 वोल्ट बना के दे रहे हैं हमें गाइस, लेने से ज्यादा वोल्टेज, तो 1450 आरपीएम गाइस अभी इतने बना रहा है। जब गाइस हम इसे बना लेंगे इतने ही आरपीएम गाइस, ये जस्ट डबल या ट्रिपल देना चाहिए, तो गाइस मजा आ जाएगा। खैर वो देगा नहीं देगा, तो चले भाई साहब अभी तक ये मोटर वैसे भाई खुला है नहीं, ठीक है। तो भाई फटाफट इसे पहले खोल लेते हैं। A few minutes later. तो भाई 4 लोग हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, और गाइस मैंने इन्हें तोड़ दिया। आप जान दो गाइस मैंने क्या तोड़ा, चोर है बहन यार, बाबा मीम लगा दे, चोर है नहीं भाई साहब, मैं चौबन नहीं हूँ भाई। चाबी से कोई खोल सकता है ताला, टूटी हुई चाबी से देखो, जैसे गाइस ये रही भाई, यहाँ पे ऐसा लगाओ और भाई यहाँ पे चोट मार दो, गाइस ये बहुत इजी खुल जाते, देखो। तो भाई चार लोग खुल गए, अभी नहीं लगाने का लौटा, चलो भाई इसे ऐसे मारते हैं। लो भाई साहब देखो बहुत ही मोहब्बत से खुल गया है, जो बात है ओह सारा निकल गया। तो भाई साहब ये लो भाई, देखो भाई ओए प्योर एल्युमिनियम भाई साहब, प्योर बिल्कुल है, क्या बात कह दी मैंने तूने समर। खैर जो बात है भाई, इसकी गाइस अभी फिलहाल जरूरत है नहीं, बच गया मेरा हाथ। तो गाइस हमें पहले इसे निकालना है, लगता भाई ऐसे नहीं निकलेगा, ये टूट के निकलेगा ससुरा। चलो भाई इसकी इम्पल में निकाल लेता हूँ, जो गाइस कूल रखता है। ले जाओ भाई साहब ये भी निकल गया, अब फटाफट इसकी जो वाइंडिंग है ना, जो ये एल्युमिनियम है, इसे फटाफट निकालते हैं। हाँ तो भाई साहब यहाँ पर इतना सारा ये एल्युमिनियम का वायर निकला है, तो भैया तो फटाफट तोल के देखते हैं कितना किलो वजन है। हाँ तो वाह काफी स्पीड से आया, और सब कुछ मेरे साथ भाग जाने की कोशिश जो कि नाकाम रही। तो भैया इसे ऑन करते हैं, और भाई सारा का सारा जितना भी माल पानी है इसे थोड़ी सी बल लगाते हैं, जिससे भाई भगाने दे रहे। लो भाई साहब ओनली 5 ग्राम। रॉबर्ट इस वायर में आग लगा दो, मोनो डार्लिंग तुम चुप बैठे रहो। तो भाई साहब ये है 5 ग्राम वायर को, ऐसा मेरा भाई कितने हजार रुपए का लगाओ। अब भाई साहब हम अपना तार लेकर आते हैं, समझ रहे हो, मतलब अपना वाला तार नहीं, जो तुम समझ रहे हो, तुम भी ठीक समझ रहे हो, दूसरा वाला तार। दो तरह के तार होते हैं, फास्ट याद रहे, दो तरह के तार होते हैं। तो भाई साहब ये रहा वो तार, ठीक है लगातार मतलब लगाऊंगा भाई, रुक जाओ। तो भाई ये जो तार है ये है 32 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। और गाइस मैं आपको एमएम में भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये रहा वर्नियर कैलिपर, यहाँ पर 0 एमएम में दिखा रहा है, ठीक है भाई चेक करते हैं। देखो भाई 0.15 यानी कि 0.15 एमएम है ये, ठीक है मैं एक बार चेक करता हूँ। देखिए 0.0 है, जिससे गाइस कोई भी शक की गुंजाइश ना रहे, 0.15 mm है। चलो भाई ये तो हम लगाने वाला वायर है, और भाई ये है पुराना वाला वायर जो है इसमें से निकला था, मैं एक बार इसे भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये सब शून्य है, ये है 0.34 mm है। तो भाई लगभग 0.20 का फर्क है दोनों के मोटाई में। कुर्सी ले लो। तो भाई साहब मैंने भैया कुर्सी का जुगाड़ कर लिया है, ठीक है भाई साहब, क्योंकि भाई साहब बहुत टाइम लगे, तो वाइंडिंग पतला तार है भैया, मुझे हाथ से लपेटना है। तो भाई फटाफट कैमरा लगा जाए ट्रापोर्ट पर, और भाई हम फटाफट स्पीड पर इसकी वाइंडिंग करते हैं। तो भाई साहब मैंने यहाँ पे लगाए 180 टन लगाए हैं, और भाई ऐसे टन में इन सारों में लगा दूंगा। तो भाई फटाफट लगाते हैं। सतहत्तर, 178, 179, और भाई साहब
180 पूरे। लो भाई साहब ये वापस इसमें लग जाएगा। तो भाई पहले निशान लगाओ, ये मुड़ गया यहाँ से। वो भाई साहब अच्छे से छील लो भड़िया करके, ज्यादा मत छील दे वरना गाइस वायर टूट जाएगा, हल्का वायर होता है वो। भाई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था गाइस ये बिल्कुल वहीं पर आ जाएगा। लगा दो भड़िया करके बड़ी इसमें। तो वैसे काट दो, इसे भी घिस के वापस लगा देते हैं ऐसे। लो भाई ये हो गया भैया हमारा चेस का कंप्लीट। देखो भाई क्या मस्त लग रहा है। सब में गाइस मैंने 180 टन लगाए, 180 टन लगाए, बेहतरीन। 200 भी लगा सकते हैं, ये और ज्यादा दिक्कत हो जाती फिर वायरिंग करने में। ओ भाई ना वापस सीधा सीधा कर देते हैं, बस ये हो गया भैया मस्त। एक बार गाइस चेक कर लेते हैं कि भाई कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है ये वायर। तो भैया कंटिन्यूट पर लगा दिया है, ठीक है। देखो पूरी बोर्ड पर लगाते हैं, ठीक है ठीक है, बोर्ड ही पर है। अब भाई इस पर चेक कर लेते हैं एक बार। देखो भाई साहब इस पर नहीं है, थैंक गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत लगी यार, ठीक है भाई। यकीन मानो 1 घंटा लगाएगा इस मेरे पूरा ऐसा करने में, और बहुत ही ध्यान से गया इस मैंने अराउंड से बिल्कुल किया है। तो भाई साहब अब इससे वापस लगा देते हैं, सेम भाई ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। लगाना का इस काफ़ी ईजी है, जैसे निकाला ऐसे लगा देंगे ही। ये भाई ओहो ये 17 का है, हाँ लो भाई साहब ये भाई बड़े घुमरा जवाब है। चलो भाई इन्हें वापस कर देते हैं जैसे भाई हमने इन्हें छेड़ा था। तो भाई साहब ये तो हो गया बिल्कुल कंप्लीट मस्त। बस भाई साहब आपको मोटर में यही करना है, बारीक वायर लगा देना है, इससे भी थोड़ा बारीक हो 0.1 mm का, तो गाइस वो भी बहुत मस्त काम करेगा। फिलहाल गाइस फटाफट की टेस्टिंग करते हैं। तो भाई साहब वही ड्रिल मशीन है, ठीक है, और भाई साहब वही मोटर है। तो अभी फिलहाल गाइस 0 वोल्टेज है और मैंने 20 पे सेट कर दिया है, और गाइस मैं जरा घुमा के दिखाता हूँ आपको बिल्कुल लाइव, जैसे भी गाइस होगा आपके सामने होगा। अगर ये अच्छे से काम करे तो फिर मजा ही ना जाएगा, जो बात है। हो भाई 8.81, ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, वो बहुत ज़्यादा हो गया बॉस। देखो भाई देखो 9.5 वोल्टेज गाइस, कमाल हो गया भाई, मतलब 4 टाइम हो गया भाई वोल्टेज। 2 थे पहले 2 चौक 8। मैं काम करता हूँ गाइस, मेरे पास डायनो मोटर है, एक बार मैं उसके वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, इसी मन से घुमा गाइस वो कितने दे रहा है ना, इससे कंपेयर करेंगे घर वाले से और मार्केट वाले से। भाई ये रहा जो मार्केट से मैंने गया था, आई थिंक ये 300 का आया था, अब पता नहीं क्या चल रहा होगा रेट। तो भाई सेम वही RPM है, और मोटर गाइस हमारा ये रहा जो हमने बनाया था, अभी उल्टा लगा दिया गाइस क्योंकि इसके जो कनेक्शन है वो इस साइड है। तो भाई देखते हैं ये कितने वोल्टेज जनरेट करके दे रहा है हमें। इधर हिली बहुत रहा भाई, एक तो क्योंकि इसकी शाफ्ट जो है ना गाइस कट लगा हुआ है, बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए एक आदमी। 5.48 देखो ऐसा, मतलब कि भाई जो मार्केट से है ये अप्रोक्स 5.5 वोल्टेज निकाल रहा है, और भाई ये निकाल रहा है 0.9, यानी कि अप्रोक्स 9 वोल्टेज 5.5 वोल्टेज। तो भाई साहब कंपेयर कर सकते हो, वैसे गाइस ये मोटर बड़ा है, सिंपल से ज्यादा ही निकालेगा, लेकिन भाई साहब अगर आपको कुछ खराब मोटर का आप इसे ऐसे डायनो मोटर बना सकते हो। अब गाइस अगर आप इसे चलाओगे, मतलब कि अगर आप इसे बैटरी से चलाओगे, तो भाई इसके एक तो RPM कम हो जाएंगे और भाई इसका टॉर्क भी कम हो जाएगा। अब गाइस ये मोटर जो ना लोड के लिए नहीं रह गया है, यानी गाइस आप इससे ज्यादा लोड नहीं ले सकते, लेकिन भाई ये जनरेटर काम अच्छा करेगा, डायनो काम अच्छा करेगा। मैं गाइस आपको इसे चला के 12 वोल्ट से की स्पीड कितनी है। देखो भाई सब 12 वोल्ट दूंगा इसे, देखो भाई कितने कम RPM है, ठीक है, आवाज भी बहुत कम है। देखो मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, देखो भाई ऐसे रुक गया, देखिए ऐसे रुक जाएगा। तो भाई अगर आपको RPM में टॉर्क बढ़ाने हो, तो भाई सिंपल बात है थिक वायर ले, यानी कि मोटा वायर ले वायरिंग के लिए, और अगर भाई साहब आपको इसको डायनो बनाना हो या जनरेटर बनाना हो इससे पावर लीन, तो गाइस बारीक वायर यानी कि थिन वायर ले। चलेगा फ्रॉड्स का एक मोटर जोड़ते हैं, ओ भाई इस पर लोड डाल के देखते कितना लोड गाइस ये ले जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये 2 प्लाई, देखो ये 4 सूत की प्लाई है, और ये 4 सूत की प्लाई ये जरूरी है गाइस, आपको कोई ना कोई बेस लगाना है थोड़ा मजबूत सा, ये 6 रेसिंग है इसमें काफी सारे होल है। तो भाई इस प्लाई पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लगा दिया है जिससे गाइस थोड़ा मैं मोटर को उठा सकूं, क्योंकि भाई साहब यहाँ मैं 2 मोटर लगाने वाला हूँ। तो भाई ये रहे 2 मोटर गाइस, देखिए ये तो भाई वो वाला है जो हमने बनाया है, ये जिसके हमने गाइस वाइंडिंग की है, ये भाई साहब अलग से कोई दूसरा 770 DC मोटर जो गाइस इस मोटर को घुमाएगा। तो गाइस ये है ड्राइवर और भाई ये है ड्रिवर, और भाई रोकने के लिए ये है 3 क्लस्टर की शीट। तो चले भाई फटाफट इन दोनों मोटर को रोकते हैं। तो
लीजिए भाई साहब, दोनों मोटर बिल्कुल मस्त लग चुके हैं। और भाई इनकी बीच की दूरी मैंने कैसे ली है? तो भाई सब कुछ प्लानिंग होती है, मैं लेकर आता हूँ, रुक जाओ। तो भाई साहब ये रहा वो डब्बा, देख भाई जिसके अंदर माल है और काफी अलग अलग टाइप की इसमें गाइस पुली है। ये देखिए भाई मतलब भरी पड़ी है, जो बात है भाई। ये देखो ये गाइस बेल्ट में मैं लेकर आ गया था तो काफी टाइम हो गया इस चीज को। तो गाइस हम कौन सी पुली लेंगे? देखो गाइस ये रही बेल्ट, ठीक है। तो भैया एक लेंगे हम सबसे छोटी पुली और भाई एक लेंगे सबसे बड़ी पुली। भाई यकीन माने भाई मजा आ जाएगा, आर पे हम काफी गाइस बढ़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और भाई साहब बेल्ट ये रही, चले भाई साहब फटाफट सब चीजों को फिट करते हैं। तो भाई साहब जिसे मैं मोटर घुमाने जाने का जो ड्रिवन है वो भाई साहब मैंने ली है ये छोटी वाली पुली, भाई इसके चक्कर थोड़े से यानी कि आरपीएम थोड़े ज्यादा पड़ जाए। ये भाई अच्छे से टाइट कर दो। और भाई इसमें थ्रेडिंग बनी हुई है तो गाइस मैं थोड़ी सी इस पर टेप लगा के देख लेता हूँ। वैसे गाइस जोर तो है नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है ना। तो वैसे पहले हाथ हाथ लगाते हैं बेल्ट, ठीक है। ये रही बेल्ट, ये भाई साहब बेहतरीन जो बात है भाई साहब, मजा आ गया, ठीक बिल्कुल। भाई इसी पे अच्छे से टाइट कर दो। लीजिए भाई साहब ये हो गया कंप्लीट। तो चले भाई साहब अब फटाफट चेक करते हैं कि भाई साहब ये अब कितनी पावर दे रहा है। वैसे गाइस ये जो मोटर मैंने लगाया ये 36 वोल्ट तक वर्क कर सकता है, लेकिन भाई डायनमो का तो ये बात है जितना हाई आरपीएम लेंगे उतना ज्यादा गाइस ये वोल्टेज जनरेट करेगा। तो गाइस मैंने सारा सेटअप लगा लिया है। ये रही भाई साहब 12 वोल्ट की बैटरी, भाई ये रहा स्पीड कंट्रोलर और भाई ये रहा मल्टीमीटर, आप जानते हो गाइस। चले भाई साहब फटाफट इसको टेस्ट करते हैं। तो चले भाई स्विच को ऑन करते हैं और भाई साहब यहाँ पे देखना कि कितने पावर ये बना रहा है। ओ भाई 24 वोल्टेज बना रहा है। ओ ओवरलोड पहुंच गया, मैं 600 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं। अबे यार ये बड़ी दिक्कत है भाई। चलो तो भाई साहब 125 वोल्टेज पहुंच गया। भाई मैंने फुल स्पीड नहीं की थी, आप जानते हो गाइस बहुत ज्यादा स्पीड है भाई इस मोटर की जो मैंने लगाया 750 मोटर। और ये बैरिंग वाला काफी अच्छा हाई टोक और हाई आरपीएम का मोटर है, ये तो आराम से 150-200 तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो भाई अब इससे हम कुछ चला के देखते हैं, इस पर गाइस लोड डाल के देखते हैं। मल्टीमीटर देखने से गाइस मजा नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल लाइव आप कुछ चला के दिखाएंगे। तो भाई ये है 12 वोल्ट की एलईडी लाइट, देख सकते हो भाई, और ये 2.4 वाट की है एक, और भाई ये तीन है जो कि गाइस पैरेलल में है। और भाई ये रस का नेगेटिव भाई साहब और भाई ये रस का पॉजिटिव। तो गाइस मैं थोड़ी आराम चलाऊंगा ना गाइस ये उड़ सकती हैं। देखो भाई ये इसी मोटर से कनेक्ट है, ठीक है ना गाइस, कोई सर दर्दी नहीं चाहिए। तो भैया मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ, ऑन करते हैं इसे। ओ देखो गाइस कितने कम आर्म में देखो इस पर चल रही है, देखो ऐसा बहुत लो, देखिए कितने लो आर्म में, देखो ऐसा कैसे लाइट चल रही है, देखो गाइस मस्त बिल्कुल। ये तो खैर बढ़िया जो बात है, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो भाई ये तो काफी तेज चल रही है। अब गाइस इससे एलईडी बल्ब चला के देखते हैं जो कि 220 वोल्ट एसी पे काम करता है। तो भाई यहाँ पर दो एलईडी मैं लेकर आऊँ, ठीक है गाइस, ये 5 वाट की और भाई ये है 14 वाट की। तो गाइस 5 वाट की तो खैर हम चलाते रहते हैं, इस बार गाइस हम 14 वाट की एलईडी से चला के देखते हैं। गाइस जो भी आपके सामने लाइव होगा प्लीज दोस्तों बने रहे, इसे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए गाइस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी। और गाइस यहाँ मैंने होल्डर लगा लिया है, मैं आपको दिखा दूं, भाई देखो होल्डर इसी से कनेक्ट है, ठीक है मोटर से, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और भाई आप मैंने एक रेड पीवीसी टेप लगा दी, इसका आप उसके चक्कर पता लग जाएंगे क्या चक्कर है, ठीक है। तो भाई लगाते हैं, ठीक है, और भाई इसे घुमाते हैं, देखो भाई चलती है नहीं चलती है। ओ भाई चल गई गाइस, चल गई। मैं थोड़ी सी लाइट कम करता हूँ ना गाइस, यहाँ पे स्टूडियो में लाइट बहुत है गाइस, आपको अच्छे दिखाई नहीं देगी। तो भाई लाइट मैंने बिल्कुल बंद नहीं की है, चल रही है लेकिन कम कर दी है, ठीक है। तो मैं भाई इसे चालू करके दिखाता हूँ, देखो भाई, देखो भाई बढ़िया, देखो गाइस कहीं भी देखिए कहीं और वायर नहीं है। तो भाई ये 14 वाट की एलईडी बल्ब गाइस चला रहा है कंटिन्यू, ठीक है, और तेज होगी देखिए। तो भाई देखिए काफ़ी भाई ब्राइट है जो बात है, बहुत खैर बढ़िया मस्त, बंद करते हैं। तो गाइस जो बात है भाई मजा आ गया, मैंने और वोल्टेज बढ़ा था और तेज लाइट हो गई थी, ठीक है मस्त काम कर रहा है। तो गाइस आप ऐसे 12 वोल्ट से ऐसा आप एसी भी निकाल सकते हैं मोटर से। चलिए तो भाई साहब इस बार मैं यूज करने वाला हूँ ये 100 वाट का बल्ब, मतलब भाई मेरे को पता नहीं है भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है ना, तो पता लग जाएगा इससे भी चला पाएगा नहीं चला पाएगा। तो भाई चलाते हैं, ठीक है, और भाई साहब लाइट थोड़ा बंद करते हैं, भाई पता नहीं मोटर इस बल्ब का लोड ले जाएगा नहीं ले जाएगा, ठीक है वही तो गाइस चेक करना है। तो ओ भाई चल गया भाई, भाई कमाल हो गया भाई, 100 वाट का बल्ब जल गया इससे, ठीक है ज़्यादा हो गया लेकिन हाँ भाई खुशी होती है जो बात है। खैर दोबारा चला के देखते हैं, देखो भाई हाँ मतलब इतना
ब्राइट नहीं जल रहा है लेकिन जल रहा है ना, मतलब इतना ब्राइट नहीं जल रहा है जैसे एलईडी जल रही थी, लेकिन ये कम जल रहा है लेकिन जल रहा है। मैंने जगह इसे कि 100 वाट का बल्ब जल रहा है। बहुत जल्दी बैटरी खा जाएगा भाई ये। तो गाइस मजा आ गया भाई। इससे पहले मैंने डायनो मोटर लगाया था और उसके साथ मैंने BLDC जो ड्रोन मोटर होता है उसको लगाया था। उसके गाइस RPM काफी हाई होते हैं आप जानते हो, तो भाई उसने भी बल्ब जला दिया था। लेकिन भाई साहब वहां मैंने 700 तक दूसरा मोटर नहीं लगाया था, वहां मैंने BLDC ड्रोन वाला मोटर लगाया था, आई थिंक 1400 KVA का। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 रुपए। तो भाई 10 रुपए में आप किसी मोटर को जो गाइस 700 तक मोटर लो, छोटा मोटर हो बड़ा मोटर हो उस हिसाब से वाइंडिंग होगी, तो भाई आप 10 रुपए से अपग्रेड कर सकते हो और आपके पास कोई खराब मोटर होगा आप उसका यूज कर सकते हो। गाइस मैंने जो भी आपके सामने दिखाया ये 100% रियल है। प्लीज दोस्तों आप भी बनाकर टेस्ट करें भाई, मजा आ जाएगा जो बात है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो भाई अपने दोस्तों के साथ, टनाटन वीडियो है। प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।